गाइज, आई एम रश्मि, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, इस मौसम में सभी फेस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह की हेयर प्रॉब्लम को, लाइक हेयर फॉल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मौसम की। तो और अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कोई बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल जो आपकी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करे, अगर आप सर्च कर रहे हैं ऐसा कोई ऑयल, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही यूजफुल, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाली हूँ रिव्यू प्लस रेमेडी, या फिर रिव्यू प्लस आपके लिए कोई अच्छा सा हेयर ऑयल फॉर योर हेयर फॉल। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट होने से पहले प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब इट। लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। गाइज, आज मैं बताने वाली हूँ आपको बायोटिक बायो भृंगराज ऑयल के बेनिफिट्स, और जो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑयल सर्च कर रहे हैं, तो आप इस ऑयल को का रिव्यू देखकर आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है, ये बायोटिक का है, बायोटिक का अनदर प्रोडक्ट है। बायोटिक के प्रोडक्ट्स में मोस्टली ये कैप हमें मिलता है ग्रीन कलर का, ये हमें इस तरह की बॉटल पैकेजिंग में मिलता है। सो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, स्पिल प्रूफ होता है, इजी टू कैरी होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, और इसकी जो बॉटल है वो एक प्लास्टिक बॉटल है, तो इसके टूटने का भी कोई डर नहीं है। इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। ये मिला था 265 रुपीस का, इसका MRP है फॉर 200 ml, ये 200 ml का मिलता है फॉर 265 रुपीस, और आपको इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू बाय दिस ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन बाइंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज ये आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, इसका कोई भी इशू नहीं है। बायोटिक बहुत ही फेमस ब्रांड बन चुका है अब तो अपने आप में ही। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। ये बना हुआ है भृंगराज प्लांट, जैसे कि इसका नाम ही है बायो भृंगराज। तो भृंगराज बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है हमारे हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लाइक हेयर फॉल, आपका इचिंग, डैंड्रफ, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को वन एंड ऑल सॉल्यूशन की तरह यूज़ किया जाता है भृंगराज। आंवला फ्रूट हम यूज़ करते हैं मोस्टली अपने सारे ही हेयर प्रोडक्ट में, ये हमारी रूट्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारे बालों को झड़ने से रुकता है। आंवला को हम इनटेक भी करते हैं। अब बात करते हैं टेसू फ्लावर की, इसका अच्छा इंग्रेडिएंट है ये एक जो टेसू फ्लावर है उसका यूज़ खाली हमने कलर वगैरह में ही सुना होगा, लेकिन टेसू फ्लावर का यूज़ हेयर एंड स्किन के प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। ये हमारे बालों में जो एलर्जी की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उससे ये प्रिवेंट करता है। मुलेठी स्टेम है इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। मुलेठी होती है, मुलेठी पाउडर होता है, उसे हम सिंपली भी यूज़ करते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो इसमें अच्छा एक हब मुलेठी का भी है। ब्राह्मी प्लांट है, ब्राह्मी प्लांट आंवला के साथ मिलकर बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारे हेयर को मजबूत करने के लिए। इसमें ऐड है काओ मिल्क एंड गॉट मिल्क। काओ मिल्क एंड गॉट मिल्क में होता है केसीन प्रोटीन। अगर आपके बालों में प्रॉब्लम हो गई है प्रोटीन की कमी की, वो प्रोटीन की कमी की वजह से उनमें हेयर फॉल हो रहा है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। इसको हमें अप्लाई करने के लिए देखना है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करना है अपने ड्राई हेयर एंड स्कैल्प में, मसाज करना है जेंटली सर्कुलर मोशन में लाइक दिस, एंड इसे छोड़ देना है एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए। यस, तो इस ऑयल को हमें ओवरनाइट अप्लाई नहीं करना है या फिर ज़्यादा देर के लिए अपने हेयर पर नहीं रखना है। एक्चुअली ये जो हेयर ऑयल है इसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ठंडी है, ये हमारे सर को एक ठंडक देता है, तो अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए अपने हेयर में रखेंगे तो ये आपको हेडेक की प्रॉब्लम को भी कॉज कर सकता है, और अगर आपको ठंडी चीज़ों से हेडेक हो जाता है इजीली तो आप इसे यूज़ ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगी। देन इसके बाद आपको इसे रिंस कर देना है वाटर से हाफ एन आवर को लगाने के लिए बाद, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, और जो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हब से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी हार्ड एंड स्ट्रांग हो गई है। अगर आप माइल्ड फ्रेग्रेंस ही लाइक करते हैं तो आप इसे ऑप्ट नहीं करिएगा, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी तीखी होती है, काफ़ी तेज़ फ्रेग्रेंस है इसकी। अब इसका जो बायो भृंगराज है ये क्लेम करता है कि ये फॉर्मूला हेल्प करता है एलोपेशिया एंड अदर कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ इस ऑयल का टेक्सचर एंड कलर कैसा है, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बोल, उसमें आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर एंड कलर। मैंने यहाँ लिया है एक बोल, इसमें मैं इस ऑयल को दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका कलर एंड टेक्सचर है,
ये कुछ लाइट क्रीमिश येलो कलर का होता है और जिसका जो ऑयल होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होता, ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली रहती है, ऑयल का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, आप ऑयल लगाने में प्रॉब्लम फील करते हैं नॉर्मली, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाता और इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्मेल को, अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को बियर कर सकते हैं तो ही आप इसे यूज़ करें। अब बात करती हूँ मैं इसके एक्सपीरियंस की अपने साथ, कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अप्रॉक्स 1 मंथ से और मुझे इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं मिला, हेयर फॉल में बहुत अच्छा इफेक्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये वर्क करता है डेफिनेटली। और रीग्रोथ तो इतनी जल्दी आपके हेयर में कोई नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन ये डेफिनेटली प्रिवेंट करता है आपके हेयर फॉल को, रिड्यूस करता है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए, इतने सारे ऑयल हैं, आप सर्च कर रहे हैं कि कौन सा ऑयल हम यूज़ करें, तो आप इस ऑयल को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ये वर्क करता है एंड इट डिपेंड्स योर हेयर टेक्स्चर ऑल्सो, ये आपके हेयर टाइप एंड टेक्स्चर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ करिए शेयर। मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल बटन आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।